हेलो फ्रेंड्स, बबीता ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मूंग और मेथी की सब्जी बना के दिखाऊंगी, जो कि बहुत टेस्टी बनती है। ये मूंग और मेथी मैं 5 से 6 घंटे तक भिगो के रख ली थी। अच्छे तरीके से ये फूल गया है। और ये मैं टमाटर कट कर लिए हूँ 2 बड़े। और ये मसाले हैं, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये गरम मसाला, हल्दी पाउडर, जिंजर पाउडर, ये है सौंफ, जीरा 1 चम्मच। अब मैं आपको बना के दिखाऊंगी। गैस ऑन है, तेल गरम हो गया है। मैं डालूंगी इसमें 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 1/4। अब मैं इसमें मेथी और मूंग डालूंगी। अच्छे से हम इसको चलाएंगे 2-3 मिनट तक। अब हम मसाला ऐड करेंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जिंजर पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला। अब इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से। अब इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे। स्वादानुसार नमक ऐड कर देंगे। बहुत जल्दी सब्जी बनती है इसकी। अब इसको हम 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। मसाले पक गए हैं, मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, आधी कटोरी, ताकि ये अच्छे से पक जाए। अब इसको हम अच्छे से चला के ढक के पकाएंगे। अब इसको हम खोल के चेक करेंगे। आप देख सकते हैं सब्जी बन के रेडी हो गई है। टेस्टी सब्जी बनी है, वो भी 5 मिनट में। आप भी ट्राई कीजिएगा, आप भी बनाइएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर लिखिएगा कि सब्जी कैसी बनी है। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि सब्जी कैसी है।